प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। और खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की हो रही है पूजा अर्चना। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का यौन उत्पीड़न मामला, एमपी बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान, बोली आरोप लगाने वाली पत्रकार की मासूम नहीं। तेल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 82.48 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल 74.90 रुपए प्रति लीटर। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। फतेहपुर जनपद के खजुहा कस्बा स्थित मां पंथेश्वरी धाम में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा और विश्वास के चलते भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों ने मां के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। बताया जाता है कि जो भी मां के दरबार में सच्चे मन से आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र के दिनों में मां के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पंथेश्वरी धाम खजुहा में स्थित है, दक्षिण साइड में। यहाँ पर जो है दोनों नवरात्र में, चैत्र में और शारदीय नवरात्र कुमार में सचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है। बासंती नवरात्र चैत्र में यहाँ संत सम्मेलन एवं सचंडी का आयोजन होता है। यहाँ पर से जो गंगा जी के स्नान करने जाती थी तो यहाँ पर एक पड़ाव पड़ता था और वो पड़ाव में यहाँ पर पड़ता था, इसलिए उसका नाम पंथेश्वरी पड़ा क्योंकि पंथ रास्ता था। दूसरी बात, यहाँ की देवी प्राचीन देवी होने के नाते यहाँ पर छिन्नमस्ता भी बन गई, तो इनमें युद्ध हुआ उसमें छिन्नमस्ता हुआ। शारदीय नवरात्र में जहां देवी मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ रही है तो वहीं कानपुर के जूहे स्थित बारा देवी मंदिर का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। माता के इस ऐतिहासिक मंदिर में आने वाली भक्तों की भीड़ दर्शन व पूजन के साथ ही मेले का भी आनंद उठा रही है। मेले में तरह तरह के सामानों की दुकानें सजी हैं, खासतौर पर बिसात खाने की दुकानों में महिलाओं की कुछ ज्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मेले में तरह तरह के आकर्षक खिलौनों की दुकानें भी रौनक बढ़ाती हैं। जहाँ बच्चों की जमघट देखा जा रहा है तो आपको बता दें कि मेले में आधुनिक झूले, रंग बिरंगी चूड़ियां, खिलौने आदि की दुकानें सजी हैं, जहां लोग सुबह से देर रात तक खरीदारी करते नजर आते हैं। और अगली बड़ी खबर आपको झांसी से बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी। बड़ी खबर झांसी से, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौत, वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर झांसी से, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 की हालत गंभीर है। वहीं 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड की पूरी घटना, झांसी से बड़ी खबर।
तेज रफ्तार ट्रक की बाइक सवार चार लोगों को टक्कर मारी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। तीन लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं झांसी से। कुलदीप, पूछना चाहूंगी कि बताया गया है एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है, तो क्या गंभीर व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया गया, उसका इलाज शुरू किया गया? कुलदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, झांसी की तरफ से ये बाइक जा रही थी, इसका पूरा परिवार बैठा हुआ था। अभी उनके नाम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब जाके चार लोग इसमें डेथ हो गई है। इसमें दो पुरुष, एक महिला और एक 5 साल का बच्चा शामिल है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और तुरंत जाकर उसने जो वहां पर घटना स्थल पर पहुंच कर बॉडी रिकवर की, घायलों को पहुंचाने की कोशिश की। इस दरमियान मालूम पड़ा कि चारों लोगों की डेथ हो चुकी है और घटना के बाद से यहाँ पर जो है पुलिस ने पूरा एहतियात बरती हुई है। बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई, साथ ही जो ट्रक ड्राइवर उसको भी पकड़ लिया गया, जिसकी गलती की वजह से ये घटना हुई। जी, क्या परिजन मौके पर पहुंच गए? आपने बताया कि अभी तक सबके नाम नहीं पता चल पाए हैं, तो क्या चारों मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई? देखिए, उनके पास से जो कागजात मिले उसके आधार पर ये प्रयास किया जा रहा है, जल्द से जल्द उनके घर में सूचना दी जाए। वो पुलिस उस काम को कर रही है। सीबीआई पूरा मामला, ये जहाँ घटना घटी वो झांसी ग्वालियर रोड है। जी, शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए। बड़ी खबर झांसी से, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चार लोगों को टक्कर मारी। हादसे में चारों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड की पूरी घटना, बड़ी खबर झांसी से। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव के असोहा विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्ची कला में कार्यरत शिक्षिका अनामिका से मेडिकल लीव स्वीकृत कराने को लेकर पैसे की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर अनामिका ने एंटी करप्शन के मुख्यालय को सूचना दी। सूचना के बाद एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने वरिष्ठ लिपिक कौशल किशोर त्रिवेदी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जहां 19 दिन की छुट्टी का मामला लंबित चल रहा था, जिस पर आरोपी लिपिक द्वारा 1900 रुपए पर सौदा तय हुआ। जैसे ही शिक्षिका ने रुपए दिए, वैसे ही सादी वर्दी में तैनात इंस्पेक्टर ने उन्हें रुपए सहित पकड़ लिया। ये पूरी खबर उन्नाव से, जहां एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है शिक्षिका से रिश्वत मांगी गई थी और आरोपी को पकड़ लिया गया है। मेडिकल लीव स्वीकृत करने के लिए मांग की गई थी, शिक्षिका ने एंटी करप्शन मुख्यालय में शिकायत की, जिसके बाद जैसे ही शिक्षिका ने रुपए थमाए, वैसे ही सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र जनपद कानपुर देहात के दौरे पर हैं, जहां कस्बा अकबरपुर में पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों के साथ पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही अराजक तत्वों को नकेल कसने का भी विश्वास जनता को दिलाया है। गश्त के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने कस्बा अकबरपुर के प्रमुख स्थानों और धार्मिक कार्यक्रम आयोजन स्थल का भी निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ कर त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की, तो वही इसके साथ स्वच्छ भारत अभियान में जुड़कर लोगों से साफ सफाई रखने की भी अपील की। अकबरपुर कस्बे में आना हुआ, यहाँ पे सबसे पहले हमने कस्बे में पैदल गश्त किया है पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारियों के साथ। उसमें मुख्यतः 4-5 बातें हमने बताई। पहला संदेश ये दिया कि पुलिस और पब्लिक एक है और मिलजुल करके ही हम लोग अपराध नियंत्रित कर सकते हैं, अपराध की घटना घटित होने पर उसका अनावरण कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। पब्लिक को केवल जो घटनाएं उसके सामने घटित हो रही हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें कान और आँख खुला रखे और चीज़ों को नोट करके पुलिस को बताए, पुलिस गोपनीय तरीके से
उस सूचना पे कार्रवाई करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार सबसे ज्यादा बजट खर्च करती है, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं लचर नजर आ रही हैं। ताजा मामला कन्नौज जिले का है, जहां मेडिकल करवाने आई एक महिला के कंधे के बजाय उसके सिर का एक्सरे कर दिया गया। जब महिला ने ये बात अस्पताल प्रशासन को बताई तो किसी दूसरी महिला के कंधे का एक्सरे कर पीड़िता को थमा दिया गया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने नाराज महिला और उसके परिजनों की अस्पताल के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। एक्सरा कराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ भर्ती बनी थी कंधे की एक्सरे के लिए और धोखे यानी डॉक्टरों ने किया है सर का एक्सरा कर दिया। ऐसा तो हमने मतलब किसी को हम तो पहचानते नहीं हैं यहाँ। वो अपना डॉक्टर साहब ने कहा था रिपोर्ट करने के, वो बुलाया गया था तो वो उसका लड़का आया था अपने मम्मी को लेकर के, तो उसने अपना देखा, हमने उसको एक्सरा मतलब कर दिया, बताया हम तो क्या है वजह से कर दिया, लेकिन जब इसको कंफर्म हो रहा कि शक हो रहा कि ये नहीं है तो उसको फिर कांस्टेबल को हमने रिपीट करने के लिए बोल दिया। हमीरपुर जिले की पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से फरार 25,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से पुलिस ने 1 किलो गांजा, 1 देशी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अपराधी पिछले दिनों अदालत में पेशी पर लाने के दौरान चकमा देकर फरार हो गया था। अपराधी के पुलिस कस्टडी से भाग जाने के चलते 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था, और आपको बता दें कि अपराधी के भाग जाने के बाद ही उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पिछले महीने में 24 सितंबर की घटना है। एक अभियुक्त है विशाल सिंह उर्फ मालिक सिंह, ये न्यायालय में हमीरपुर जिला जेल से न्यायालय जा रहा था, उसी क्रम में ये सिपाही ले जा रहे थे, फरार हुआ था। उसी क्रम में ये आज स्वाट टीम और कोतवाली की टीम दोनों द्वारा पकड़ा गया है, और उन्हीं सिपाहियों की सूचना पर सिपाहियों को लगा दिया गया था, क्योंकि सस्पेंड हो गए थे और कार्रवाई हो गई थी, विभागी चल रही थी, उन्हीं को लगाया गया था कि आप इनको पकड़िए। हमारे को यहाँ पे 10 मुकदमे हैं हमीरपुर में, इसके अलावा और भी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं कि उरई में भी मुकदमे हैं और कानपुर देहात में भी मुकदमे हैं, कानपुर नगर में मुकदमे हैं, इसकी हम व्यापक छानबीन करा रहे हैं। जालौन में भागीदार अधिकार मंच के बैनर तले पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि हम पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं राम मंदिर मुद्दे पर भाजपाइयों को लफड़ेबाज भी बताया है। चुनाव आते ही राम भगवान याद आ जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए SC ST एक्ट के फैसले पर नाराजगी भी जताई, तो वहीं गुजरात से हो रहे मजदूरों के प्लान को लेकर कहा है कि सरकार को इसके खिलाफ कड़ाई से पालन करना चाहिए और लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आप समझिए कोई ऐसी विधानसभा नहीं है, 403 विधानसभा की बात करता हूं। जम्मा वाले नेता अगर पहुंच गए हरि आंदोलन मंच के तत्वावधान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज़ादी के 72 साल में नाई का, लोहार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, कश्यप का, बाथम का, प्रजापति का, गोंड का, चौहान का, गुप्ता का, चौरसिया का, जुल्हा का, दुनिया का, तमाम ऐसी जातियां हैं जो 72 साल की आज़ादी में अपने अधिकार से बहुत दूर खड़ी हैं, जिसको लेकर के एक भागीदारी आंदोलन मंच बनाया है लोगों ने। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो इन लोगों को राम मंदिर याद आता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो राम मंदिर भुला जाते हैं। ये तो अपना AC में चल रहे हैं, हवाई जहाज में AC है, उनके कमरे में AC है, गाड़ी में AC है, ये लोग इतने लफड़ेबाज हैं कि भगवान राम को भी तिरपाल उड़ा दिया है अयोध्या में। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
अरे भाई तैयार हो जाओ, 3 घंटे में फ्लाइट है, 3 फंक्शन है बॉस। मेरा तो सब सेट है रहा है, पर आप ला मिलियार्डो स्पेशल मोमेंट्स फॉर एवरीवन। बहुत हैवी है। दूध अंडा दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किसमें है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, पूरी खरपतवार में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। ये है रोज ताकत परोसने का टेस्टी और हेल्दी तरीका। तो अब धाकड़ प्रोटीन को लेकर नो कंफ्यूजन, हेल्दी रहना सिंपल है। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। बाद आप सभी का स्वागत है। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बा के मोहल्ला हजरतपुर ठठराय स्थित मां काली जी के दरबार में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली है, जहां भक्तों ने मां के चरणों में माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। मां काली देवी की स्थापना को लेकर किंवदंती है कि काफी समय पहले एक किसान माता की मूर्ति बैलगाड़ी से लेकर अपने गाँव जा रहा था, तभी ये मूर्ति गिर गई, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मूर्ति टस से मस नहीं हुई, जिसके बाद माता रानी की मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया गया। वहीं नवरात्रि के दिनों में भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है, मंदिर के बाहर मेला भी लगता है। लोक रक्षक भरत रत्न जयप्रकाश नारायण के 117वें जन्मदिवस पर फूलबाग स्थित बाल भवन में भारतीय लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति ने महासम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान आपातकाल के समय की पत्रकारिता की प्रदर्शनी भी लगाई गई, साथ ही ऐसे लोगों को भी सम्मान दिलाने की बात की जिन्होंने आपातकाल के समय पत्रकारिता के लिए अपने प्राणों तक की फिक्र न की। संस्था के संस्थापक मधुकर मिश्र ने बताया कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कर 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जिसके विरोध करने पर लाखों की संख्या में राष्ट्रवादियों को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई थी। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम हम लोग भारतीय लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज माननीय जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गतिविधियाँ तो 1975 से प्रारंभ हैं। 1975 में तत्कालीन सरकार, जिसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी आपात। और इसी बीच बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं, जहां पर मोती झील में 3 दिवसीय लदर मेले का शुभारंभ किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें,
मोती झील में 3 दिवसीय लेदर मेले का शुभारंभ। 40 बड़े ब्रांड और निर्यातक होंगे एक ही जगह पर। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने किया मेले का शुभारंभ। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से मोती झील में 3 दिवसीय लेदर मेले का शुभारंभ किया गया है। 40 बड़े ब्रांड और निर्यातक एक ही जगह पर शामिल होंगे। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने लेदर मेले का शुभारंभ किया है। बड़ी खबर कानपुर से, मोती झील में 3 दिवसीय लेदर मेले का शुभारंभ किया गया। 40 बड़े ब्रांड और निर्यातक एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने इस मेले का शुभारंभ किया है। बड़ी खबर कानपुर से, मोती झील में 3 दिवसीय लेदर मेले का शुभारंभ किया गया है। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने इस मेले का शुभारंभ किया है। इस मेले में 40 बड़े और निर्यातक एक ही जगह पर 40 बड़े ब्रांड और निर्यातक एक ही जगह पर होंगे। ये मेला कानपुर के मोती झील में होगा और कमिश्नर और जिलाधिकारी ने इस मेले का शुभारंभ किया है। बड़ी खबर कानपुर से, मोती झील में 3 दिवसीय लेदर मेले का शुभारंभ किया गया। 40 बड़े ब्रांड और निर्यातक एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने इस मेले का शुभारंभ किया है। अभिलाष वाजपेयी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ हैं। अभिलाष, पूछना चाहूंगी क्या खासियत है इस मेले की? आपको बता रहे हैं, मोती झील में आज 3 दिवसीय एक लेदर मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। इसे बताया गया है कि करीब 40 जो बड़े ब्रांड हैं जो लेदर उत्पाद बनाते हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उनके जो ब्रांड तैयार किए गए हैं वो यहाँ पर रहेंगे, जिसमें बेल्ट है, पर्स है, जूते हैं, इस तरह की कई चीजें हैं। और इसका जो शुभारंभ है आज कमिश्नर और डीएम ने यहाँ पर मिलकर किया है, और लगभग लेदर इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी, तो क्या ये प्रदर्शनी, ये मेला, दर्शक भी जो कानपुर की जनता है उसका, वो भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं? क्या सभी वहाँ पर जाकर इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर एक रिटेलर के तौर पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है कि जो भी लोग वहाँ उत्पाद खरीदने चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो वहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि कानपुर जो है लेदर, जो लेदर उत्पाद है उसको बनाने के लिए एक अग्रणी शहर के रूप में सामने आया है। कहीं ना कहीं जो कानपुर है उसके लेदर जो निर्यात होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कानपुर में कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ बाहर से भी यहाँ पर लोग आए जो इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से पूरी एक रूपरेखा 3 दिन के लिए तैयार की गई है, जिसके तहत ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जी, पूछना चाहूंगी कि ये मेला सुबह कितना बजे से शुरू होगा और शाम तक कितने बजे तक चलेगा, ताकि हमारे दर्शकों को आसानी हो सके इस मेले में पहुंचने के लिए? शुभारंभ किया गया है और देर रात करीब 10 बजे तक की तो आधिकारिक तौर पर सूचना दी गई है कि रात 10 बजे तक तो यहाँ पर प्रदर्शनी ये खुली रहेगी सभी के लिए। और अगर वहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा लोग होते हैं, तो हो सकता है कि इसका समय कुछ और भी बढ़ाया जा सके। तो अभी तक की जो सूचना मिली है वो रात में 10 बजे तक की सूचना मिली है कि सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक की ये प्रदर्शनी वहाँ पर लोगों के लिए खुली रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिलाष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। बड़ी खबर कानपुर से, मोती झील में 3 दिवसीय लेदर मेले का शुभारंभ किया गया। 40 बड़ी ब्रांड और निर्यातक एक ही जगह पर होंगे। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने मेले का शुभारंभ किया है। ये बड़ी खबर कानपुर से। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नयागंज स्थित पन्नालाल महेश चंद्र ज्वेलर्स की 110वीं वर्षगांठ के मौके पर शहराए बॉलीवुड फेम चंकी पांडे और अमीषा पटेल। जेएमडी न्यूज के खास बातचीत में चंकी पांडे ने शहर को लेकर अपने अनुभव साझा किए। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं ज्वेलरी के दुकान जो 100 साल से ज्यादा भी पुराने होते हैं। और क्योंकि ये 100 साल से ज़्यादा पुराना है, ये इस बात को दोहराता है कि यहाँ के डिज़ाइन, यहाँ की क्वालिटी, यहाँ का सब कुछ कितना बेहतरीन है। नहीं तो इतना लंबा अरसा कोई दुकान टिकता नहीं। मैंने अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस खोली है, तो आप अगर गूगल करोगे तो देसी मैजिक फिल्म अभी आ रही है मेरी खुद की प्रोडक्शन हाउस। का
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में 13 से 16 अक्टूबर तक किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले दिन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शिरकत करेंगे। इस बार मेले में महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी कुलपति सुशील सोलोमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में बीजों के लिए खास स्टॉल लगाया जाएगा और किसानों को जागरूक करने के लिए संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के मौके पर कानपुर शहर के अलावा फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बांदा सहित आसपास के क्षेत्रों से 400 से 500 ऐसी महिलाएं आएंगी जो कृषि के बलबूते अपने दम पर खड़ी हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। उद्घाटन हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी करेंगे और इसमें मुख्य आकर्षण है वो बीज विक्रय है, सब्जी एवं फल फूल पौध बिक्री, पशु प्रदर्शनी और साथ में हमारी गोष्ठियाँ भी हैं। और उन गोष्ठियों का जो मुख्य बिंदु है वो है महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और इस मेले में जाने से पूर्व हमारे मंत्री जी पहले हमारे संग्रहालय जाएंगे, वहाँ विश्वविद्यालय के जो अचीवमेंट्स हैं उनका वो वहाँ पर अवलोकन करेंगे। कानपुर के गैंजस क्लब में इनरवेल क्लब की तरफ से एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने तरह तरह के स्टॉल लगाए हैं और जिसका उद्देश्य महिलाओं को बढ़ावा देना है। इस दौरान कपड़े, ज्वेलरी, फुटवेयर व अन्य सजावटी सामानों के स्टॉल लगाई गई थी। संस्था की सदस्य सरोज कटियार ने बताया कि क्लब की तरफ से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज भी इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी स्टॉल्स पर महिलाएं ही मौजूद हैं। हम लोग का जो क्लब है दिस इज़ फ्रेंडशिप एंड सर्विस क्लब, तो इसमें ये हम लोग एवरी ईयर एग्जीबिशन लगाते हैं, 5 साल से लगा रहे हैं और दिस इज़ गिवन टू ऑल द लेडीज़ ओनली। जितने आपने देखे स्टॉल्स ना, सारी लेडीज़ खड़ी हुई हैं, तो जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आकर के, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपना सामान बेच सकते हैं और ख़ुद अपने पैरों पर खड़े हो। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस उतना ही, देखते रहिए जीएमडी न्यूज़। नमस्कार। मेरा पूरी शहर वासियों से अपील है कि प्लास्टिक पर अगर बैंड है तो उसका प्रयोग न करें, वो हमारे साथ मिलकर के स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का आरंभ होने जा रहा है, अतः नगर निगम कानपुर के सहभागी बनकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। कूड़ा गाड़ियों को सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग दें। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः पॉलीथीन का प्रयोग कतई न करें। तो आइए नगर निगम कानपुर के साथ महानगर कानपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोत्तम स्थान दिलाए। सम्मानित महानगर वासियों, आप सभी से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जिसका काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है, आप स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को आगे लाए। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर अधिक से अधिक शिकायत करें, शिकायत निस्तारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके साथ ही साथ सभी अच्छी गतिविधियों को स्वच्छ मंच पे आप उसको पोस्ट करें और अपने शहर से पॉलीथीन को दूर भगाएं, पर्यावरण के अनुकूल शहर को बनाएं, प्रदूषण मुक्त बनाएं। मीडिया हैज चेंज्ड एंड सो इज द टूल।